बार चली है, तीन गोली जो है उनके ऊपर चली थी, जिसमें से एक गोली जो है उनके छाती में लगी थी, जिसके बाद जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तभी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा था कि उनके हार्ट बीट चल नहीं रहे थे, यानी कि अस्पताल में जाने से पहले ही जो है उनकी मौत हो चुकी थी। अब अस्पताल की तरफ से भी जो है एक बयान जारी किया गया, साथ में मुंबई पुलिस का ये कहना है कि जो तीन लोगों ने गोली चलाई थी उनकी पूछताछ चल रही है। हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि करीब 9:30 बजे के आसपास ये गोली चली है, बाबा सिद्दीकी जब वहां दफ्तर में पहुंचे थे उसके बाद में जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, उस दौरान कुछ दो लोग आए थे, उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो है नकाब लगाया हुआ था। अब पुलिस जो है इस बात की छानबीन कर रही है कि ये जो दो लोग थे वो कौन थे और किस कारण उन्होंने जो है ये फायरिंग की है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है इसके पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी पार्टी में शामिल हुए थे। उनका बेटा जिसान सिद्दीकी जो है वो बैंड्रा इससे जो है वो एमएलए है, और ये कहा जाता है कि इसके पहले भी कई बार जो है बाबा सिद्दीकी को जो है जान से मारने की धमकी आ चुकी थी, और इसी के तहत जो है उनके पास मुंबई पुलिस का एक सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ मौजूद रहता था। लेकिन आज जब दशहरा का मौका था और वहां पर जिस इलाके में इनकी जो ऑफिस थी, जिसान सिद्दीकी की जहाँ ऑफिस थी, वहां पर दशहरा के कारण जो है कई सारे देवियों का विसर्जन जा रहा था, पटाखे फूट रहे थे, उसी दौरान जो है दो लोगों ने आकर ये फायरिंग की है। जिसान के बारे में ये कहा जाता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बाबा जब वहां पहुंचे तो उसके बाद में जैसे ही फायरिंग, उसके बाद उनके कार्यकर्ता उनको तुरंत ही पास की लीलावती अस्पताल में जो है लेकर गए, और वहां पे डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज किया। लेकिन लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जब उनको एडमिट किया गया उसी वक्त उसके पहले ही उनका दुखद निधन हो चुका था। बाबा सिद्दीकी के बारे में बताए तो मूल वो बिहार से थे और मुंबई में ही पढ़े बढ़े थे, और साथ में ही उनको उनका एक बैंड्रा बॉयज करके उनका कॉलेज में एक ग्रुप हुआ करता था। उस ग्रुप में जो बैंड्रास के जितने भी लोग थे वो उस ग्रुप में शामिल थे, जैसे कि उनके ग्रुप में अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान भी उनके ग्रुप में शामिल थे, और वो दोनों के बहुत करीबी दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी के जब उन्होंने NSUI से जो है अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, NSUI के बाद में वो सबसे पहले जो है मुंबई BMC में 2 टर्म कॉर्पोरेटर रहे, और उसके बाद 3 टर्म जो है वो MLA रहे, और साथ में ही राज्य मंत्री भी जो है कांग्रेस के टाइम में रहे थे। कांग्रेस में जब सबसे पहले जब प्रिया दत्त, जब सुनील दत्त का निधन हुआ, उसके बाद प्रिया दत्त जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, उसी वक्त जो है वो उन्होंने प्रिया दत्त को चुनाव जिताने में जो है काफी मदद की थी, और साथ में ही जब संजय दत्त आर्थर रोड जेल में थे तभी भी वो अक्सर अपने मित्र और दोस्त संजय दत्त को मिलने जाया करते थे। और बाबा सिद्दीकी के ना सिर्फ जो है सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन रहे हैं, बल्कि बाबा सिद्दीकी जो है वो अक्सर जो है फिल्मी दुनिया के लोगों के भी काफी करीबी रहे थे। बाबा सिद्दीकी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ना सिर्फ वो सलमान खान के करीबी दोस्त थे, लेकिन मुंबई के कई सारे उद्योगपति घरानों से भी उनका काफी अच्छा ताल्लुक रहा था। बाबा जो है वो अक्सर जो है अपने, उन्होंने भले ही मुंबई में रहे थे, फिल्म इंडस्ट्रीज और काफी कमर्शियल हाउसेस के साथ में उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बिहार को लेकर जो है काफी वो करीबी रहते थे। अक्सर वो बिहार जाया करते थे, दरभंगा में उनका एक घर भी अभी भी है, और वो जाया करते थे, और बिहार में जब भी कोई इलेक्शन होता था तो वहां पर वो सक्रिय राजनीति में वहां पे भी वो अक्सर एक्टिव रहते थे। बाबा जो है जब पहली बार जब कॉर्पोरेटर बने थे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तब उनका टिकट देने के बारे में जो है सुनील दत्त ने जो है दिल्ली में हाई कमान से बात की थी, और सुनील दत्त ने उनका जिक्र करते हुए सबसे पहली बार जो है उनको चुनाव लड़ाया था। जब वो चुनाव लड़े तब सुनील दत्त जो है काफी उन्होंने उनको जिताने में काफी अहम भूमिका रही थी, और उसी के बाद जब सुनील दत्त का निधन हुआ तो प्रिया दत्त को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने का काम भी जो है वो बाबा सिद्दीकी ने ही किया था। फिलहाल की अगर बात करें तो अभी अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है बाबा सिद्दीकी पे जो फायरिंग हुई है उसमें जो है 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया है। निर्मल नगर पुलिस जो है इस केस की जांच कर रही है, और इसके बारे में अभी पता नहीं लगा है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग किसने करवाई और क्यों करवाई, इसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन इस एक बात जरूर सामने आई है कि ये जो हत्या उनकी की गई है, जो फायरिंग की गई है, वो पॉलिटिकल रंजिश के तहत नहीं हुई है,
जी हाँ जी, राजनीतिक रंजिश के तहत ये फायरिंग नहीं हुई है। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुई है वो ये कहा जाता है कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के चलते या आपसी रंजिश के चलते ये फायरिंग हुई है। ये एक बड़ी खबर भी आप दे रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, प्राथमिक तौर पर ये पता चल रहा है कि कोई सियासी अदावत इस हत्या के पीछे की वजह शुरुआती दौर में नहीं दिखाई दे रही, कोई व्यक्तिगत या व्यवसायिक रंजिश हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब इसकी जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एक बड़ी खबर, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्रालय की भी अहम जिम्मेदारी। और ऐसे में जबकि आज दशहरे का दिन, गहमा गहमी का वक्त, आपस में मेलजोल और बड़े मेलों का आयोजन, ऐसे में आतिशबाजी का भी इस्तेमाल, और क्या इसी का मौके का फायदा उठाकर हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये फायरिंग की है। लीलावती अस्पताल पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, जहां पर उन्हें लाया गया था उपचार के लिए बाबा सिद्दीकी को इसी अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या, दशहरे के दिन जबकि गहमा गहमी का आलोप, बांद्रा ईस्ट में अपने विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय में वो गए हुए थे, और इसी वक्त मौके का फायदा उठाकर दो हमलावरों ने उन पर फायरिंग की है। तकरीबन 48 सालों तक वो कांग्रेस से जुड़े रहे और पिछले कुछ महीनों में ही कांग्रेस से अलग होकर वो एनसीपी में शामिल हो गए थे, अजीत पवार गुट में। उनके बेटे खुद इस वक्त विधायक है कांग्रेस पार्टी से, बांद्रा ईस्ट से ही, लेकिन बांद्रा ईस्ट से ही पिछला चुनाव 2014। इसकी जांच करनी चाहिए, गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किरीट सुमैया बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है ये बड़ी वारदात, कि मुंबई में जिस तरह से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई एक कद्दावर नेता की, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, माडा के अध्यक्ष भी रहे बाबा सिद्दीकी, और ऐसे में दशहरे के दिन जब काफी गहमा गहमी का आलम होता है, मेलजोल, आतिशबाजी, त्योहार का यह मौका, क्या पूरी प्लानिंग के साथ हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी है? कई ऐसे अहम सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शुरुआत में हिरासत में लेकर पूछताछ, पता चल रहा है कि एक हरियाणा का निवासी, एक यूपी का, लेकिन अभी पूछताछ से आगे पता चलेगा कि आखिर हमलावरों का मकसद क्या था, किसके कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बहुत से सवाल हैं जिनके पुख्ता और आधिकारिक जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि ये कोई सियासी अदावत की वजह से किया गया हमला दिखाई नहीं देता। हालांकि इसकी तफ्तीश होगी और तभी आधिकारिक तौर पर पुष्ट रूप में कोई बात कही जाएगी, लेकिन ये एक बड़ी खबर आई दशहरे के दिन, जब एक पर्व में पूरा देश डूबा हुआ था, मुंबई में ढलती शाम को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रीति